नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रावत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आई जस्ट होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एक और नई वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आ गया हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जारी किए गए महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन। इसमें आपके सरकारी विज्ञापन भी आ जाएंगे, साथ ही में गैर सरकारी विज्ञापन भी आ जाएंगे। तो मेक श्योर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, साथ में पास में बने नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। मेक श्योर अगर आपने हमारा Facebook ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ ज्वाइन कर दीजिए। एंड साथ ही में अगर आपने हमें Instagram पे फॉलो नहीं करा है तो आप हमें Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं, उत्तराखंड ओपन हमारी Instagram ID है। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन में। सर्वप्रथम हम बात करें आज के नए महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की, तो सेना निवृत्त अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी आपका ECHS देहरादून के अंतर्गत जॉब रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। ECHS निम्नलिखित रिक्त पदों पर पॉलिटेक्निक देहरादून और विकास नगर में संविदात्मक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। तो ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब रहने वाली है, मेडिकल स्पेशलिस्ट की 1 पोस्ट है देहरादून रीजन के लिए, साथ ही में ऑफिस इंचार्ज के 1 पद है देहरादून रीजन के लिए, मेडिकल ऑफिसर के 1 पद है देहरादून रीजन के लिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 1 पद है देहरादून रीजन के लिए, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए देहरादून के लिए 1 पद है, फार्मासिस्ट के लिए 2 पद हैं इसमें देहरादून रीजन के लिए 1 और विकास नगर के लिए 1, साथ ही में डेंटल ATH के 1 पद है विकास नगर के लिए, ड्राइवर के 1 पद हैं देहरादून में, सफाई वाला के लिए 1 पद। इस तरीके से टोटल ECHS के अंतर्गत टोटल 10 पोस्ट जारी किया गया है। और मेक श्योर जो इसका इंटरव्यू डेट है वो 17 सितंबर 2022 शनिवार को रखा गया है। नियम व शर्तें की बात करें आवेदन पत्र का पारिश्रमिक हेतु ऑफिशियल वेबसाइट जो इसका है, इस पर आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं www.echs.gov.in। अधिक जानकारी के लिए स्टेशन हेडक्वार्टर सेल ECHS देहरादून के टेलीफोनिक नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा कराने की जो अंतिम तिथि है 26 अगस्त 2022 रखी गई है, दोपहर 2:30 बजे, ठीक है। आवेदन पत्र आपको ऑफलाइन पत्रचार और स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS देहरादून गड़ी कैंट पिन नंबर 248003 उत्तराखंड में जमा कर सकते हैं। देरी से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इंटरव्यू का जो आयोजन है वो 17 सितंबर 2022 को प्रातः 10 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल सेना अस्पताल गढ़ी कैंट देहरादून में आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवारों को जो इंटरव्यू के समय अपने मूल प्रमाण पत्र, डिग्री प्रशंसा पत्र, फोटोकॉपी अनुभव प्रमाण पत्र व अटैम्प्ट सर्टिफिकेट, चिकित्सा प्रमाण पत्र जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट द्वारा दी जाती है वो लेके आना है, साथ में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ साथ में लेकर अनिवार्य होगा। कोविड नियमों का आपको सख्ती से पालन करना होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जो आपका ECHS देहरादून के अंतर्गत पोस्ट जारी किया गया है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अगर इन सभी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं ECHS.gov.in, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगली महत्वपूर्ण खबर है डॉक्टर सुशीला तिवारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सितारगंज उधम सिंह नगर उत्तराखंड के लिए आवश्यकता है। कला संकाय BA MA के लिए संस्कृत में 1 पद है, साथ ही में गृह विज्ञान के अंतर्गत 1 पद है, अंग्रेजी के अंतर्गत 1 पद है, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत 2 पद है, साथ ही भूगोल के अंतर्गत 1 पद रखा गया है। योग्यता की बात करें तो यूनेट आपका यूसेट PhD विश्वविद्यालय UGC मानक के अनुसार। आवेदन की अंतिम जो तारीख है विज्ञापन प्रकाशन के 10 दिन के भीतर आपको आवेदन करना होगा, यानी विज्ञापन अगर आज प्रकाशित हुआ है तो विद इन 10 डेज आपके इसके लिए आवेदन करना होगा। शैक्षिक प्रमाण पत्रों एवं पासपोर्ट साइज की 4 फोटो सहित बायोडाटा महाविद्यालय के पते पर आपको भेजना है। प्रबंधक का मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी की जानकारी आपके पास दिया गया है। अगर आप डॉक्टर सुशीला तिवारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सितारगंज उधम सिंह नगर के लिए उत्तराखंड के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस और इसमें ज्योग्राफी, इंग्लिश, गृह विज्ञान, संस्कृत के पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आयुर्वेद सेक्शन के अंतर्गत एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर रजिस्ट्रेशन।
एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड इन डुप्लीकेट फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम फिलिंग अप टू द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. डिटेल आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री www.ayush.gov.in द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा www.nia.nic.in. द एप्लीकेशन इज टू बी प्रिस्क्राइब परफॉर्म आर कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड रीच थ्रू प्रॉपर चैनल टू श्री बी एस कोठारी अंडर द सेक्रेटरी आयुर्वेदा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष भवन बी ब्लॉक जी पी ओ कॉम्प्लेक्स आई एन ए न्यू डेली 110023 within 30 days from the date of publication of the advertisement from the post in the employment news Rojgar Samachar B.S. Kothari Under Secretary to the Government of India. साथ ही बात करें recruitment for the regular teaching faculty जो कि आपका जारी किया गया है कुकरेजवा इंस्टीट्यूट में. क्वालिफिकेशन MA MSc प्रिंसिपल पोस्ट के लिए वन पोस्ट है. क्वालिफिकेशन MA MSc विद द 55% BEd विद 50% MEd विद 55% PhD एजुकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस 15 ईयर 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन सेकेंडरी टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज मैंडेटरी. असिस्टेंट प्रोफेसर की 27 पोस्ट है ऑल सब्जेक्ट्स के लिए. क्वालिफिकेशन सिमिलर है MA MSc विद द 55% BEd विद 50% एंड MEd विद 55% नेट PhD एजुकेशन. सैलरी अकॉर्डिंग टू द UGC NCT नॉर्म्स. कुकरेजवा इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन गणेश विहार अजयपुर देहरादून के लिए है ये. नॉट काइंडली सेंड योर रेज्यूमे विद इन 10 डे फ्रॉम द पब्लिश डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट एट कॉलेज ईमेल ID kukrejwainstitute@yahoo.com. साथ ही बात करें रेड रोज कॉन्वेंट स्कूल जो कि आपका US नगर में है. PGT इंग्लिश सैलरी 35K TGT इंग्लिश सैलरी 20-25K की पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं. ईमेल योर CV rrcs193@yahoo.com और व्हाट्सएप पे जानकारी दिया गया कॉन्टैक्ट नंबर की. साथ ही नेक्स्ट पोस्ट आपका वीर साहिब सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी नैनीताल रोड हल्द्वानी के लिए जारी किया गया है. इसमें योगा PGT के लिए पोस्ट है. PTI हेडमास्टरीज कोऑर्डिनेटर प्राइमरी विंग्स के लिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन सबमिट देयर रेज्यूमे एट द स्कूल रिसेप्शन बिटवीन 8 AM टू 1:30 PM और अप्लाई थ्रू द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस veersahib@yahoo.com. कॉन्टैक्ट नंबर की जानकारी दिया गया है. लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रेज्यूमे इज August 10, 2022. साथ ही अगली महत्वपूर्ण खबर है शिक्षा विभाग में ब्लॉक और संकुल सदम व्यक्ति BRP एंड CRP की नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से करने का प्रस्ताव है. शिक्षा विभाग में 955 युवाओं को मिलेगा रोजगार. 285 पद हैं रिक्त राज्य में. BRC के शिक्षा महानिदेशक ने शासन को भेजा है प्रस्ताव. फाइनल प्रतिनियुक्ति पर नहीं लिए जाएंगे शिक्षक एंड 670 पदों पर होंगी भर्ती. CRP की बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों को लगा बड़ा झटका. प्रतिनियुक्ति के लिए बना रहे थे दबाव. आपको बता दें ब्लॉक और संकुल संदर्भ व्यक्ति BRP एंड CRP की नियुक्ति पर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए आउटसोर्स के आधार पर नियुक्ति करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब तक विभागीय शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर इन पदों पर लिया जा रहा है. इस फैसले से 955 बेरोजगारों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षक के रूप में आउटसोर्स नौकरी मिलने का रास्ता होने जा रहा है. संपर्क करने पर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान बंसीधर तिवारी ने इसकी पुष्टि की है. सो गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड मेक श्योर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा बिकॉज आपको उत्तराखंड शिक्षा जगत की तमाम पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम पहुँचा दी जाती है. पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें. धन्यवाद. जय हिंद. वंदे मातरम.